आज हम बनाने जा रहे हैं एक कुमाऊं की सबसे फेवरेट डिश। ये वहाँ के जंगलों में पाया जाता है और इसका नाम है कुछूड़। सबसे पहले हम इसको एक एक करके छांट लेंगे, जो इसमें ख़राब वाले वो होंगे उसको निकाल लेंगे। और इस तरीके से हमने इसको सब छांट लेना है और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। सबसे पहले हम इसके जड़ों को अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको काट लेंगे थोड़ी बारीक बारीक करके। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। उसके बाद हम इसको एक थाली में उठा लेते हैं और एक कढ़ाई में इसको डाल लेंगे और दो से तीन बार धो के इसमें डाल देते हैं और इसको करीबन दो से तीन बार धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसको हम गैस में रख लेंगे और एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तब तक मैं इसके लिए प्याज और हरी मिर्च काट के रख लेती हूँ। प्याज भी हमने काट लिया है और उसके बाद इसको एक कटोर में उठा के ये भी उबलने लग गया है। कुछूड़ को भी हम एक उबाल निकाल दिया है और इसको अब हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं। अच्छे से मैंने धो लिया है, हल्का सा इसमें चिपचिपाहट होता है और उबालने से बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतना अच्छा हो गया है। अब उसके बाद हम इसमें एक फ्राई पैन रखेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और अब इसमें थोड़ी हम जीरा डाल देते हैं, बाकी हम थोड़ी लहसुन कटे हुए, और इसको हल्का हल्का भून के हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को भी भून लेते हैं, प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। प्याज को मैंने एक से दो मिनट भून लिया है और यह प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे मिर्ची, इसमें डालेंगे है काट कर रखी है, और इसको भी हम भून लेते हैं। इसको हल्का हल्का भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गर्म मसाला, थोड़ी सी हम डालेंगे जो भी बेसिक मसाले होते हैं और सब डालने हैं। उसके बाद हम इसको भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछूड़ों को डाल देंगे। और देखना फ्रेंड्स, इसकी सब्ज़ी हमारे कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा खाते हैं और इतना टेस्टी होता है, अगर अच्छे से बना लिया तो बहुत ही टेस्टी होती है, हर सब्जियों को फील कर देती है। ये सब्ज़ी में थोड़ी तेल की मात्रा ज़्यादा लगती है और थोड़ी भूनना पड़ता है इसको, और बाकी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे, करीबन दो से तीन मिनट ऐसे ही भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। करीबन तीन से चार मिनट हम इसमें ढक्कन लगा के पकाएंगे इसको। इसको तीन चार मिनट हो चुके हैं और अब इसको थोड़ी सी पलट लेते हैं, नीचे ऊपर कर लेते हैं ताकि ये नीचे लगे ना। और उसके बाद हम इसको एक आध मिनट, एक से दो मिनट और पकाएंगे। फिर से इसको हम ढक्कन लगा के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसको एक से दो मिनट और पका लेंगे। ये एक से दो मिनट हमने पका लिया है, बाकी सब्ज़ी हमारी लगभग हो चुकी है। थोड़ी इसको पलट लेते हैं और करीबन हमने ये आठ से दस मिनट पकाया है और पहले उबाला भी है और ये अच्छे से हो चुकी है सब्ज़ी। ये देखना फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है। ये देखना फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारे बन के रेडी हैं और कितना प्यारा दिख रहा है, हो चुकी है सब्ज़ी। और अब गैस हमने बंद कर लिया है, सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है और अब इसको हम निकाल लेते हैं और ढक्कन लगा के साइड में रख लेते हैं।